नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कोरोना की नई लहर ने हर तबके पर अपना असर डालना शुरू कर दिया है। हर आम खास इसकी जद में आने से खुद को बचा नहीं पा रहे हैं। कोरोना से संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है, जबकि हल्के लक्षण वाले मरीज घर पर रहकर ही इसका इलाज कर रहे हैं, जिसको हम होम आइसोलेशन भी कहते हैं। कोरोना की वजह से घर में क्वारंटीन होने जा रही हैं, तो ये खबर पूरी देखिए। इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि कैसे मरीज घर पर रहकर ही तेजी से रिकवरी कर सकता है। हवादार कमरा, अगर घर में आइसोलेट होने जा रहे हैं या फिर होम आइसोलेशन में हैं, तो फिर सबसे जरूरी है कि कमरा हवादार हो। इसके साथ साथ मरीज के लिए अलग से वॉशरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे मरीज की देखभाल के लिए 24 घंटे कोई ना कोई जरूर होना चाहिए। मरीज को क्या करना चाहिए? मरीज को ये ध्यान रखना होगा कि उसके कमरे की खिड़कियां खुली हो। मरीज को हर वक्त 3 लेयर वाला मास्क पहनना जरूरी है। हालांकि इस बीच मास्क को हर 6 से 8 घंटे में बदलते रहें। बार बार साबुन से अपने हाथों को धोते रहना चाहिए। कोविड पेशेंट को अपने बर्तन, तौलिया, चादर और कपड़े बिल्कुल अलग रखने चाहिए। बार बार चेक करें बुखार। घर में आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को दिन में कम से कम 2 बार अपना बुखार और ऑक्सीजन का लेवल जांचना चाहिए। शरीर के तापमान को 100 फ़ारेनहाइट से ज्यादा ना होने दें। अगर आपको कोई और बीमारी भी है तो उसका इलाज भी साथ के साथ जारी रखें। इस दौरान स्मोकिंग, शराब या फिर किसी भी नशीली चीज का सेवन ना करें। क्या खाएं? अब सवाल ये भी है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज की डाइट कैसी हो। कोरोना के मरीजों को घर पर बना ताजा और सादा भोजन करना चाहिए। मौसमी, नारंगी और संतरा जैसे ताजे फल और बीन्स खाएं। खाने में अदरक, लहसुन और हल्दी का उपयोग करें। रोजाना खूब पानी पिएं। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।